हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज फैशन यू चेतना। और इन दिस वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ पिंक फ्राइडे सेल शॉपिंग, जो कि मैंने नायका से परचेस करी है। यहाँ पे जो मैंने प्रोडक्ट परचेस किए हैं वो सभी मुझे ऑलमोस्ट डिस्काउंट के अंदर मिले हैं। और पिंक फ्राइडे सेल जो है बहुत ही बड़ी सेल मानी जाती है, तो वहां से मैंने कुछ कॉस्मेटिक, कुछ डेली केयर प्रोडक्ट परचेस किए हैं, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। तो गाइज, मेरे वीडियो के साथ में स्टार्ट करते हैं कि मैंने यहाँ पे कौन कौन से प्रोडक्ट जो है वो डिस्काउंट में परचेस किए हैं, ताकि आप लोग भी जब शॉपिंग करो तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाए कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं वो इतने इतने डिस्काउंट में मिल सकते हैं। तो चलिए मेरे वीडियो के साथ में स्टार्ट करते हैं कि मैं कौन कौन से प्रोडक्ट आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले जो मैं आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ वो है ये फेसेस आई पेंसिल। इसमें जो मैंने कलर परचेस किया है वो है मेटल ब्राउन, जो कि बहुत अच्छा कलर है, बहुत ही स्मूथ टेक्सचर है इसका। आई होप आपको ये दिख जाएगा। ये देखिए, इसका बहुत स्मूथ टेक्सचर है और हम इसको जब अप्लाई करते हैं तो इसमें थोड़ा शाइन लुक आता है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसका प्राइस जो है वो 349 रुपीज़ है, जो इसका एक्चुअल प्राइस है मुझे उसी प्राइस में मिला है। तो और इसमें जो इस पेंसिल के अंदर 5 कलर्स अवेलेबल हैं, तो आप नायका पे चेक कर सकते हो। तो मुझे ये काफ़ी अच्छी लगी, अफोर्डेबल है और फेसिस के तो प्रोडक्ट काफ़ी अच्छे आते हैं, तो दैट इज़ गुड डील। नेक्स्ट जो मैं आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ वो ये है मेबलिन ड्यू शॉपर आईब्रो पेंसिल। यू नो, आपने मेरे मेकअप ट्यूटोरियल देखे होंगे, तो उसमें मेरे पास में ये सेम पेंसिल है, वो है ग्रे कलर में। मैंने यहाँ पे दूसरा शेड परचेस किया है ब्राउन, जो कि बहुत अच्छा है। अभी मैंने अप्लाई भी कर रखा है, एकदम नेचुरल दिखता है। और इसका जो एक्चुअल प्राइस है वो 300 है, मैंने इसे डिस्काउंट के अंदर 210 रुपीज में परचेस किया, जो कि बहुत अच्छी डील है। तो ये मैंने पिंक फ्राइडे सेल से लिया है। नेक्स्ट जो मैं आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ वो है ट्रेसेमे शैम्पू। और ये जो प्रोडक्ट क्वांटिटी मुझे इसके अंदर मिली है वो है 580 ml। इसका एक्चुअल प्राइस है 360 रुपीज़, बट अगेन मैंने इसको डिस्काउंट के अंदर जो है 280 रुपीज़ में परचेस किया, जो कि बहुत अच्छी डील है। आप देख सकते हो ये काफ़ी मेरे 6 मंथ तो चली जाएगा। और ये जो मैंने परचेस किया है वो है स्मूथ एंड शाइन शैम्पू, मुझे बहुत अच्छा शैम्पू लगता है। नेक्स्ट, इसी के साथ में मैंने एक कंडीशनर परचेस किया है, जो कि है 80 ml। आप इसका प्राइस देखोगे तो 107 रुपीज़ है, मैंने इसको डिस्काउंट के अंदर 90 रुपीज़ में लिया है, जो कि बहुत अगेन अच्छी डील है। तो आप लोग भी ऐसे पिंक फ्राइडे सेल या नायका पे आती रहती है सेल, तो आप वहाँ से परचेस कर सकते हो। नेक्स्ट जो मैंने परचेस किया है वो है ये नायका नेचुरल्स लेवेंडर इसेंशियल ऑयल। आपने मेरे हेयर स्पा वीडियो के अंदर देखा होगा, तो मैं वहाँ पे टी ट्री ऑयल यूज करती हूँ। तो ये जो एसेंशियल ऑयल है, जब हमारे फेस पे कोई एक्ने मार्क छूट जाते हैं ब्लैक कलर के स्पॉट, तो वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर हेयर स्पा के अंदर, या फिर आप हैवी हेयर ऑयल मसाज करते हो तो अपने ऑयल के अंदर इसकी 5 या 4 ड्रॉप्स आप ऐड कर सकते हो। तो वो क्या होता है कि आपकी हेयर ग्रोथ में भी हेल्प करता है, प्लस आपकी जो रूट होती है उनको एक अच्छा नरिशमेंट देता है। तो ये इसका जो एक्चुअल प्राइस है वो 350 रुपीज़ है, मैंने इसको पिंक फ्राइडे सेल के अंदर 245 रुपीज़ में परचेस किया है। आई थिंक इस पे जो सेल है वो काफ़ी कम चलती है, ये फर्स्ट टाइम ही शायद 245 रुपीज़ में मुझे मिला है, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसमें बहुत सारे फ्लेवर्स अवेलेबल है, मैंने यहाँ पे जो फ्लेवर परचेस किया है वो है लेवेंडर। आप चाहें तो कोई भी परचेस कर सकते हो, ऑलमोस्ट 12 या 13 इसके अंदर फ्लेवर अवेलेबल है। नेक्स्ट जो मैं आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ वो है ये हुडा ब्यूटी की लिक्विड मैट लिपस्टिक। इसका जो प्राइस है वो 1600 रुपीज़ है, मैंने इसको 1400 रुपीज़ समथिंग में परचेस किया है, आई डोंट नो इसका प्राइस। और इसमें जो मैंने शेड परचेस किया है वो है आइकन। आप देख सकते हैं अभी मैंने अपने लिप्स पे वही शेड अप्लाई कर रखा है। ये बहुत अच्छी लिपस्टिक है गाइस, यू नो प्राइस बहुत ज़्यादा है, बट आप जब इसे अप्लाई करते हो तो थोड़ा वेट रहता है, उसके बाद में एकदम ड्राई हो जाती है, एकदम स्मच प्रूफ है, वाटर प्रूफ है, काफ़ी लाइट वेट लिपस्टिक है, बहुत अच्छी लिपस्टिक है। तो मेरा जो इसके साथ में एक्सपीरियंस रहा है वो काफ़ी अच्छा रहा है। यू नो, हुडा ब्यूटी के जो प्रोडक्ट है वो बहुत कम टाइम के लिए, या बहुत यूं कहूं कि आते ही नहीं है डिस्काउंट के अंदर, बट पिंक फ्राइडे सेल के अंदर मुझे डिस्काउंट में मिला है, तो बहुत बहुत अच्छी बात है। मैं बहुत मतलब इम्प्रेस हुई हूँ इससे और मुझे बहुत अच्छी लगी ये लिपस्टिक। नेक्स्ट जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है ये फेसेस मैग्नेटाइज आईलाइनर। ये वाटरप्रूफ आईलाइनर है, और इसका जो ब्रश आता है वो बहुत ही पतला आता है। यू नो, आपने अगर लैक में एब्सोल्यूट का आईलाइनर देखा होगा तो उसका भी इतना ही, आई होप आपको दिख रहा हो, इतना ही पतला उसका ब्रश आता है, आप इजीली अप्लाई कर सकते हो। और ये वाटरप्रूफ आईलाइनर है, जो कि मुझे बहुत अच्छी बात लगी है। और इसका जो एक्चुअल प्राइस है वो है 249 रुपीज़, और मैंने इसको 174 रुपीज़ में परचेस किया है, तो काफ़ी अच्छी बात है।
नेक्स्ट जो मैं आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ वो है ये बायोटिक का विजिबली एजलेस सीरम। आपने मेरे मेकअप ट्यूटोरियल्स में देखा होगा, तो मैं इस सीरम को जो है 2.5 मंथ मुझे हो गए हैं इसे यूज करते हुए। ये मेरी थर्ड बॉटल है जिसको मैंने परचेस किया है, क्योंकि यू नो ये सीरम जो है बहुत अच्छा सेफ है। आप मतलब कहीं पे भी जाओ उसको हमेशा मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम अप्लाई करो, आपकी स्किन को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करता है ये, कोई पिंपल एक्ने नहीं होने देता। तो मुझे बहुत पसंद आया, ये मेरी थर्ड बॉटल है और इसका जो एक्चुअल प्राइस है वो 260 रुपीज़ है। अगेन मैंने इसको 161 रुपीज़ में परचेस किया है, जो कि बहुत बहुत अच्छी डील है। वैसे बायोटिक के प्रोडक्ट पर अमेजोन और नायका हर टाइम पर सेल आती रहती है, बट यू नो ये बहुत अच्छी डील में मैंने इसे परचेस किया है, तो दैट इज अगेन गुड थिंग। नेक्स्ट जो मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ वो है ये बायोटिक स्पॉट करेक्टिंग एंटी एक्ने फेस पैक। ये बहुत ही अच्छा फेस पैक है। मैं यू नो इसे मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम पर अपने जो हल्के से स्पॉट है उस पर अप्लाई करती हूँ, और मुझे यूज करते हुए अगेन इसको 2.5 मंथ हो गया है, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी अपने बायोटिक के रिव्यू दिए थे। और इसमें जो इसका जो प्राइस है वो अगेन 200 है, और मैंने इसे जो है 149 रुपीज़ में परचेस किया है। ये भी अगेन मेरी थर्ड बॉटल है, जो कि बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छी डील में मैंने इसे परचेस किया है, तो बहुत अच्छी चीज़ है। और मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जो बायोटिक के प्रोडक्ट हैं गाइस बहुत बहुत अच्छे हैं, बहुत अफोर्डेबल रेंज में है। आपको 200 के अंदर इतने अच्छे नेचुरल प्रोडक्ट मिल रहे हैं, तो और क्या चाहिए। तो मैं बायोटिक के साथ में बहुत इंप्रेस हुई हूँ, तो आप लोगों को भी सजेस्ट करूंगी आप बायोटिक के प्रोडक्ट जरूर ट्राई करें। अगर आप स्क्रब, फेस सीरम, फेस वॉश, बहुत सारे प्रोडक्ट आप ट्राई करने का सोच रहे हैं तो जरूर ट्राई करें। नेक्स्ट जो मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ वो है ये बायोटिक का बायो कैरेट सनस्क्रीन है, जो कि 50 ml आता है और इसका जो प्राइस है 115 रुपीज़ है, बट अगेन मुझे डिस्काउंट के अंदर 80 रुपीज़ में मिला है। और ये जो सनस्क्रीन है वो काफ़ी अच्छा है, एकदम लाइट वेट है। यू नो निविया का आप सनस्क्रीन ट्राई करोगे तो आपको थोड़ा ग्रीसीपन लगता है, और आप धूप में जाते हो तब ऊपर से ग्रीसीपन, और वैसे भी समर के टाइम पे कितनी गर्मी होती है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप ये ज़रूर ट्राई करें, बहुत लाइट वेट है, बहुत अच्छा है, आपको फील नहीं रहेगा कि आपने कोई ग्रीसी चीज़ जो है फेस पर अप्लाई कर रखी है, तो काफ़ी अच्छी बात है। नेक्स्ट मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि बायोटिक का जो नीम प्योरीफाई फेस वॉश है उससे मैं इतनी इंप्रेस हुई हूँ। गाइज मैं एमवे का फेस वॉश यूज करती हूँ, बट यू नो जब मैं मोस्ट ऑफ ज्यादा मेकअप करती हूँ तो कुछ मुझे थोड़ा अंदर से डर लगता है कि यार कुछ पार्टिकल रह जाए तो मेरी स्किन को हार्मफुल इफेक्ट दे। तो मैं अपने एमवे के फेस वॉश के बाद में मैं जो है मैंने बायोटिक का ही एक नीम पैक का जो फेस वॉश था वो स्टार्ट किया था। तो सबसे पहले मैंने इसे मंगवाया था, इसका एक्चुअल प्राइस जो है 55 रुपीज़ है, मुझे डिस्काउंट के अंदर 39 रुपीज़ में मिला है पिंक फ्राइडे सेल के अंदर। तो मैंने इसके ऐसे छोटे छोटे 2 पैक मंगवाए थे। गाइज बहुत बहुत अच्छा है, मतलब थोड़ा आपकी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज भी करता है। ये नॉर्मल टू ऑयली ड्राई स्किन सभी स्किन टाइप के लिए ये बहुत अच्छा फेस वॉश है। तो मैंने इसके 2 छोटे पैक और 1 बड़ा पैक मंगवाया था। तो 2 छोटे पैक जो है इसमें जो क्वांटिटी आती है वो 50 ml आती है, वो मुझे 39 रुपीज़ का मिला है। 50 ml फेस वॉश आपको 39 रुपीज़ में मिला है, काफ़ी अच्छी डील है। और इसका जो बड़ा वाला आता है वो 240 रुपीज़ का आता है, जिसमें 300 ml आता है वो मुझे 160 रुपीज़ के अंदर मिला है पिंक फ्राइडे सेल के अंदर। तो मैंने इसका सबसे पहले ये वाला ट्राई किया था, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। देन मैंने इन दोनों के ये कॉम्बो ऑर्डर नहीं किया था, मैंने इन्हें अलग अलग ही ऑर्डर किया है। तो ये मुझे अप्रॉक्स 149 रुपीज़ का पड़ा है, और ये मुझे 39 रुपीज़ में पड़ा है, तो काफ़ी अच्छी डील है ये। नेक्स्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ बायोटिक का ये ब्रिंग राज ऑयल। इसका जो प्राइस है वो 159 रुपीज़ है, जो कि आपको मिलता है 120 ml, और ये जो मुझे मिला है वो 111 यानी कि 111 रुपीज़ में मुझे मिला है। एक्चुअली मैंने इस ऑयल को कभी ट्राई नहीं किया, बट यू नो मुझे ट्राई करना था, क्योंकि ये जो है ब्रिंग राइज ऑयल जो है वो आयुर्वेदिक है, तो मुझे लगा काफ़ी अच्छे इसके इफेक्ट हो सकते हैं, तो इसलिए मैंने इसे मंगवाया है। मैं अभी इसे ट्राई करूंगी और आप लोगों को ज़रूर रिव्यू दूंगी कि ये कैसा ऑयल है। तो ये भी मुझे काफ़ी अच्छी डील के अंदर मिला है। नेक्स्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ मेबलिन फिट मी कंसीलर, जिसमें मैंने शेड परचेस किया है मीडियम। ये काफ़ी अच्छा एकदम मुझे परफेक्ट गया है, काफ़ी अच्छा पतला एकदम अच्छे से स्पॉन्ज के साथ में अप्लाई होने वाला ये कंसीलर है। इसका जो प्राइस है वो 475 रुपीज़ है, बट अगेन मुझे पिंक फ्राइडे सेल के अंदर 333 यानी कि 333 रुपीज़ में मुझे मिला है, जो कि बहुत बहुत अच्छी डील है। तो मुझे काफ़ी डिस्काउंट मिला, तो मैं एकदम हैप्पी हो गई कि वाओ क्या डील है। नेक्स्ट जो मैंने परचेस करी है वो है लिप बाम। यू नो आपने देखा होगा मैं एक अपने मेकअप ट्यूटोरियल के अंदर लिप बाम यूज़ करती हूँ,
वो मेरी ब्लू हेवन की लिप बाम है, उसमें मेरा बबल शेड था। अभी मैंने कोको बटर यूज किया है, कोको बटर परचेस किया, अभी मैंने इसको यूज नहीं किया, इवन मैंने ओपन भी नहीं किया क्योंकि मेरी लास्ट वाली के अंदर थोड़ा सा बचा हुआ है, बट यू नो मुझे अच्छी डील के अंदर मिल रही थी। इसका जो एक्चुअल प्राइस है वो 85 रुपीज है, मैंने इसको डिस्काउंट के अंदर 68 रुपीज में परचेस किया है, जो कि बहुत बहुत अच्छी बात है। तो या मेरी डील काफी अच्छी रही। तो गाइज ये थे मेरे डील के प्रोडक्ट। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आप लोगों के फ्रेंड को थोड़ा आइडिया हो सके कि जो नायका पर प्रोडक्ट मिलते हैं वो कभी कभी डिस्काउंट में भी आते हैं। ऐसा नहीं है कि पिंक फ्राइडे सेल के अंदर जो मैंने प्रोडक्ट परचेस किए हैं वो हमेशा इसी डिस्काउंट के अंदर या पिंक फ्राइडे सेल के अंदर ही आते हैं, ऐसा नहीं है। कभी भी नायका की 1 मंथ में एक बार सेल चलती रहती है, तो इसमें से कुछ प्रोडक्ट जो है अभी मैंने परचेस किए हैं उनकी प्राइस भी सेम ही रहती है सेल के अंदर, तो आप वहां से परचेस कर सकते हैं। और इन सब प्रोडक्ट की लिंक जो है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां पे जाके परचेस कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइज, लव यू गाइज, ओके बाय बाय।